सेंस में मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त, आज आपसे इस प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसे ऑर्नामेंटल ऑरेंज कहते हैं या इसे कैलमोंडिन ऑरेंज भी कहते हैं, चाइनीज ऑरेंज भी कहते हैं इसे। देखिए, इसमें ये छोटे छोटे फ्रूट्स रखते हैं, ऑरेंज स्मेल है, ऑरेंज होते हैं ये, और ये जब पक जाते हैं ऑरेंज कलर के बहुत प्यारे लगते हैं, और इसका फ्रूट जो है काफ़ी टाइम तक पेड़ पे लगा रहता है, बहुत प्यारा लगता है। उसमें बड़ी अच्छी सी ऑरेंज का टेस्ट भी है और स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसका मार्मलेड, जैम वगैरह बहुत अच्छा बनता है इनका बने तो, और ये बहुत क्वांटिटी में लगते हैं अगर ये लग जाए पेड़ के ऊपर तो। देखिए, इसके फ्लावर्स आए हुए हैं अभी मेरे प्लांट पे, और इन फ्लावर्स में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये प्लांट जो है वो 3-4 फिट की हाइट तक ही ग्रो करता है, और इसे बड़े गमले में उगाना चाहिए, इसकी रूट्स को फैलने के लिए अच्छी जगह मिले। देखिए, मेरा भी ये गमला जो है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको गमले को, अब मैं इसको रिपॉट करूँगी, फेब्रवरी में करूँगी। जब भी आपको कोई प्लांट रिपॉट वगैरह करने हो तो या तो सितंबर में करें या फरवरी में करें, अच्छे रहते हैं। तो फरवरी में ग्रोइंग सीजन होता है प्लांट्स का, अच्छे रहते हैं। इसका अभी भी ग्रोइंग, देखिए कितने फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं इस टाइम, जब इसमें अच्छे फूल वगैरह आ रहे हैं तो इसको वीकली आप फर्टिलाइज़र दें। और फर्टिलाइज़र में जैसे फ्रूट चाहिए हमें और ये, तो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र इसमें अच्छा रहता है। आप बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र, उनको बारीक बारीक काट के वो इसमें डाल सकते हैं, और या इसमें जैसे मैं देती हूँ DAP और पोटाश, एक एक चम्मच दोनों का आप हर हफ्ते इसमें दे दीजिए, या एक एक चम्मच DAP और पोटाश वैसे भी आप डाल सकते हैं। अगर वैसे ही डालें तो गमले के रिम के साथ डालिए और उसको मिट्टी में मिक्स कर दीजिए और उसी टाइम पानी दीजिए, क्योंकि पोटाश को अगर आप पानी देते हैं किसी भी प्लांट में देते हैं तो या तो उससे पहले भी पानी दीजिए, पहले गमले को मिट्टी गीली होनी चाहिए, उसमें पोटाश दे के और दोबारा एक बार और पानी दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्लांट जो है वो मर जाता है, जल जाता है, तेज होता है पोटाश। तो DAP और पोटाश जब भी आप दें साइड में, ऐसे गमले के रिम के साइड साइड में दें और उसको मिट्टी में मिक्स करके फिर उसी टाइम पानी दे दीजिए। तो हफ्ते में एक बार आप ऐसे करिए, इसमें फ्रूट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इस टाइम जब इनमें फूल आ रहे हैं तो आप ऐसे दीजिए फूल भी। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कईयों की प्रॉब्लम रहती है कि हमारा प्लांट तो है उसमें फूल और फल नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, उसके लिए अपने प्लांट को 2-4 दिन बिल्कुल पानी मत दीजिए, बिल्कुल पानी मत दें। और जब उसकी पत्तियाँ बिल्कुल मुरझाने लग जाएँ पानी की कमी के कारण, तो आप फिर उसको पानी दीजिए और रेगुलर पानी दीजिए, फिर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, जो भी ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके प्लांट में एकदम से बहुत सारे फूल आएंगे। क्या होता है कि प्लांट को लगता है मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे पानी देना किसी ने बंद कर दिया है, और जैसे ही आप उसको पानी देते हैं तो प्लांट खुश हो जाता है, उसे लगता है कि बस अब तो मैं फटाफट मरते मरते बचाऊँ और क्या पता मेरी लाइफ कितनी है, तो फटाफट मैं अपना जो फूल होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनका जो लाइफ इसलिए होती है कि इनको फूल और फल बनाने होते हैं, फल के बाद बीज, बीज से अपनी जो है वो इंक्रीज करनी होती है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। तो इनको लगता है कि मरते मरते बचे हैं, फिर शायद मर जाएं, तो फटाफट फूल और फ्लावर ये बनाते हैं, फल बनाते हैं, इसमें से बीज निकल के नया इनकी ऑफस्प्रिंग्स बननी होती हैं, तो इसलिए ये फटाफट फूल देता है। तो आप इसको पानी मत दीजिए, जब सूखने लगे तो पानी दीजिए, तो ये फूल देना शुरू करेगा, और फूल आएंगे तो फल तो आएंगे। उसमें आप फॉस्फोरस और पोटेशियम हर वीक देते रहिए तो उसमें अच्छे फ्रूट, हेल्दी फ्रूट बनेंगे। मिट्टी की बात करूं अगर मैं, तो इसकी मिट्टी जो है वो आप वही गमले में अगर लगाते हैं तो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छा ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। पहले तो पॉट का जो नीचे का होल है उसे चेक करिए, वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मिट्टी, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा सॉयल और एक हिस्सा उसमें आप खाद डाल के, अब जब खाद तैयार करेंगे आप, खाद में आप दोनों तीनों खादें मिला सकते हैं, गोबर की खाद, पत्ती की खाद, नीम खली वो भी मिला दीजिए, थोड़ी सी सरसों खली भी मिला दीजिए, पीस के पाउडर बना के एक चम्मच सरसों की खली भी बना दीजिए। सरसों की खली क्या करती है कि प्लांट की मिट्टी का कंडीशनर का काम करती है। कई ऐसे हमारे प्लांट्स में
अंदर फंगस वगैरह होते हैं जो रूट्स को गला देते हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो नीम खली बहुत अच्छा काम करती है, उनको मारने का काम करती है, मतलब उनको वो रूट गलती नहीं है प्लांट्स की अच्छी तरह, तो वो भी मिला दीजिए तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। अब जब आपका प्लांट रूट बाउंड होने लग जाए तो आपको पता चल जाता है कि उसमें आप पानी दें तो जल्दी पानी सूख जाता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और वो रिपोर्टिंग आप या तो सितंबर में करिए और या आप फरवरी में करिए। और लाइट की अगर पानी की मैं बात करूँ तो जब भी इसकी मिट्टी के ऊपर की लेयर सूख जाए, सिर्फ ऊपर की लेयर, थोड़ा सा, बस ऐसा नहीं है ज़्यादा गहरी, इतनी इतनी ऊपर की लेयर जो है अगर आपको सूखी दिखती है तो आप इसमें पानी दे दीजिए, और मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट ही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉगी होगी तो फिर इसकी जड़ें गल जाएंगी, तो पानी आप थोड़ा सा सूखे, दोनों दो वाटरिंग के बीच में हल्का सा इसको सूखा, मिट्टी की ऊपर के लिए सूखी दिखनी चाहिए, उसके बाद आप पानी दें। और लाइट इसको बहुत सनलाइट जो है वो डायरेक्ट 6 से 8 घंटे की सूरज की रोशनी मिले ना, नींबू का जो पेड़ होता है उसे भी बहुत रोशनी की जरूरत होती है, उसे धूप जिसे कहते हैं, खाली रोशनी नहीं डायरेक्ट सनलाइट, धूप की जरूरत होती है नींबू को भी 6 से 7 या 8 घंटे की, और इसको भी, ये भी उसी फैमिली का है, इसे भी 6 से 8 घंटे की धूप अच्छी मिलेगी तभी आपका प्लांट जो है वो फल देगा अच्छे, नहीं तो ये फल अच्छे नहीं देगा। कई बार क्या होता है इसकी पत्तियाँ जो हैं वो कर्ल होने लग जाती हैं, कर्लिंग होने लग जाती है पत्तियों की, या तो ऊपर की तरफ कर्ल होंगी या बाहर की तरफ कर्ल हो जाती है, तो ये कर्लिंग दो कारण से होती है, एक तो कर्लिंग होती है एफिड्स वगैरह इसमें लग जाते हैं, एफिड लगने से क्या होता है कि वो इसके अंदर का रस चूसने लग जाते हैं, रस चूसने से फिर ये इसकी पत्तियां जो हैं वो कर्ल होने लग जाती हैं, और दूसरा रीज़न होता है पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की अगर कमी होती है किसी भी प्लांट में तो भी उसकी पत्तियां जो है वो कर्ल होने लग जाती हैं। ये जो आपको दिख रही है ये कर्ल नहीं है, ये पत्ती कर्ल नहीं हो रही है, ये नेचुरली इसको मैंने पानी 2 दिन बाद दिया है तो इसकी पत्तियां सीधी होनी शुरू हुई हैं, तो वो चीज़ है, कर्ल होना मतलब बिल्कुल ऐसे कर्ल होने लग जाती हैं पत्तियां, या तो ऊपर की तरफ या ऐसे दोनों किनारों की तरफ या यहाँ से यूँ ऐसे कर, दिस इज नॉट कर्लिंग, ये कर्लिंग नहीं है, ये क्या है कि पानी मैंने देर से दिया है इस प्लांट को आज 2 दिन बाद, तो अब इसकी पत्तियां धीरे धीरे सीधी होनी शुरू हुई हैं, अब देखिए ऐसे सीधी हो जाएंगी, ये वो चीज़ है। तो कर्ल जो हो रही है तो या तो आप देखिए पत्ती के नीचे कोई कीड़े वीड़े आपको दिखते हैं तो आप फिर उसमें नीम ऑयल का छिड़काव करिए, तो वो एफिड्स के कारण कर्ल हो रही है। कभी भी किसी भी प्लांट की पत्तियां अगर आपको कर्ल होती हुई दिखें तो सबसे पहले आप उस प्लांट के नीचे के साइड ऐसे चेक करिए पत्ती के, अगर उस पत्ती में आपको हल्के से ग्रीनिश या ब्राउनिश ब्लैकिश छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखते हैं तो फिर आपके उसमें एफिड्स हैं, तो फिर आप पहले उसमें नीम ऑयल वगैरह का छिड़काव करिए, और अगर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जब भी यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूस उसको एक दिन छोड़ के एक दिन 10-15 दिन तक करिए, तब वो असर करते हैं, एक बार में आप सोचें ठीक हो जाए ऐसा नहीं होगा। और अगर आपके लीफ के नीचे कुछ भी नहीं है और पत्तियां कर्ल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट में पोटेशियम की कमी है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी पोटेशियम और डीएपी डाल दीजिए तो वो अच्छी तरह फूल और फल देगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, इसका प्रोपेगेशन भी बता दूँ, फरवरी के महीने में, फरवरी में अभी तो मेरा जैसे ये पेड़ छोटा है, अगर आपका 3-4 फुट का अच्छा बड़ा पेड़ है तो उसकी कटिंग्स को काट लीजिए और उन कटिंग्स को लगा दीजिए, ऐसी कटिंग लीजिए जिसमें 3 से 4 तक नोड हो, नोड मतलब ऐसी जगह, ये जो जोड़ से होते हैं ना प्लांट में जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ये देखिए ये नोड्स हैं 1, 2, 3, ये जहाँ से पत्तियाँ जुड़ती हैं ये नोड्स होती हैं प्लांट की, तो ऐसी 4-5 या 3-4 नोड हो ऐसी कटिंग ले लीजिए, थोड़ी मोटी लीजिए, अभी जैसे मेरी ये पतली है, थोड़ी सी थिक लीजिए, पेंसिल जितनी थिक मिल जाए या थोड़ी सी पेंसिल से पतली भी होगी तो चलेगी, और उसको लगा दीजिए तो इसकी वेजिटेटिवली भी ये ग्रो कर जाता है, ये प्लांट उग जाएगा और ये बहुत प्यारा लगता है, इसके ये जो फ्रूट हैं ये काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं ऑरेंज कलर के फ्रूट से जब ये प्लांट भर जाता है। मेरे प्लांट में जब ऑरेंज होंगे तो मैं इसका फेसबुक पेज पे फोटो भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।